नमस्कार दोस्तों, अनुज हेल्थ टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसी घरेलू आयुर्वेदा शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आपकी खांसी जुकाम से परेशान है उनसे हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते। नौजवान या बच्चे या बूढ़े किसी को भी हुआ है खांसी सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं रेमेडी को शुरू करने। दोस्तों, रेमेडी को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में दिए गए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ये है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च मार्केट में नकली भी मिलता है या ओरिजिनल मिलता है। दोस्तों, पपीता के बीज को लोगों सुखा लेते हैं और काली मिर्च बोलते हैं। दोस्तों, पपीता के बीज को आपको नहीं लाना है, ये ओरिजिनल काली मिर्च लाना है। वगैरह में इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उस मिर्च को हमको इस अनुष्का में यूज करना है। खाली कटोरी लिए हैं दोस्तों, उसी खाली कटोरी में हम 20 काली मिर्च लेकर इसी में रखेंगे। ऐड करना है वो है लवंग। दोस्तों, हम जितना काली मिर्च लिए हैं उतना ही हम लवंग को लेंगे और तावा पर इसको भूज लेंगे। दोस्तों, चलते हैं किचन में। हम 5 मिनट तक ले इसे भूजेंगे। तब तक ले इसमें से धुआं ना निकले तब तक ले हम इसे भूजते रहना है। दोस्तों, अच्छे से हम इसे भूज लेंगे। उसके बाद से करते हैं, हम अच्छे से इसे भूज लिए हैं और हम इसको निकाल कर और बारीक कूट लेंगे। दोस्तों, देखिए हम अच्छे से भूज लिए हैं। दोस्तों, इसी में हम डाल देंगे। आप तो चाहे किसी से भूख ले सकते हैं या इसी तरह खाने में कूट सकते हैं, भूख देना है। दोस्तों, अच्छे से हम भूख लिए हैं और इस खाली कटोरी में हम निकाल के इसी में अनुष्का बनाकर हम दिखाएंगे आप सभी को। दोस्तों, हमको तीसरा चीज इसमें ऐड करना है वो है सरसों के तेल। दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध सरसों के तेल इसमें ऐड करना है। दोस्तों, हम 1 चम्मच की मात्रा में लेंगे सरसों का तेल। दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ पे हनी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कब और कैसे खाना है कि हमेशा के लिए छुटकारा सर्दी खांसी से मिल जाए। दोस्तों, इतना ही बना लेना है और शाम सुबह दोपहर में आपको खाना है। दिन में आपकी सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर जब बच्चे के खाना है तो दोस्तों इतना ही खिलाइए 3 टाइम। आपकी सर्दी जुकाम से आपके बच्चे को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये अनुष्का हम आजमा कर आप सभी को बता रही हूँ। दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।